नमस्कार भाई दोस्तों, खडूर साहिब सीट का चुनाव है ना, पूरे देश की नज़र है। और जो आप लोगों से बार बार अपील की गई थी, उस अपील का फायदा तो हुआ है। ये नहीं कहेंगे हम बिल्कुल भी फायदा ना, नहीं, 70-80% फायदा है। लेकिन जो बचा है 20-30%, उस 20-30% में भी आपस में बटने लगे आप लोग। मत बटो भाई, मत बटो। आपको ना हर एक चीज़ प्रूफों के साथ दिखाते, ऐसे नहीं बोलते कि कोई आम बात बोल दी। अभी क्या हो रहा है, अभी तक था जो चुनाव चल रहा था पंजाब के अंदर, अभी तक के चुनाव की ये थी कि भाई एनआरआई भाइयों ने जो 2019 में चुनाव में हिस्सा लिया था, अब की बार वो हिस्सा नहीं ले रहे। लेकिन अब खडूर साहिब सीट पर आ गए एनआरआई भाई हिस्सा लेने लगे। बाहर बैठे जो एनआरआई भाई हैं बहुत सारे, तकरीबन 80-85% एनआरआई भाई अमृतपाल सिंह के हक में है, अमृतपाल सिंह के हक में है। लेकिन कुछ एनआरआई जो कि वहां से यहां आए हुए, पंजाब में आए हुए हैं, वो बादलों के हक में बोलने, वल्टो आके हक में बोलने लगे। कमाल हो गया यार, ऐसे तो मत बटो। ऐसे बटोगे तो भाई फिर तो काम नहीं चलेगा। बटना नहीं है, एक भी वोट बटती है ना, हजारों की तो बात अलग होगी, एक भी वोट बटती है तो बहुत फर्क होता भाई, बहुत ज्यादा फर्क। जो भी एनआरआई भाई आए हैं वोल्टो आए पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते भाई प्रचार मत करो, देखो किसी को कोई पसंद होता किसी को कोई, करो प्रचार, लेकिन कम से कम उसकी उपलब्धियां तो पूछ लो। जो गुटका साहब की झूठी कस्में खाकर, गुरु साहब की झूठी कस्में खाकर आपको बांट रहा है, अभी आपको बस ये दिखाई देने लगा बादल ही जाट है। बट गए उन्हीं चीजों में, जिस चीज को बता, जिस चीज से बाबा नानक ने आपको दूर किया था, आप उसी जगह पर जाकर फिर अटक गए, भाई नहीं जाटा का नेता है। इसी कारण तो हरियाणा बर्बाद हो रहा है, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन हो रहा है, नहीं पता हो तो आप लोगों को, नंबर वन है। और अभी हरियाणा में जो चल रहा है वो तो बस पूछो ही मत, गांव में इनको घुसने नहीं दे रहे, हरियाणा में किसी भी गांव में नहीं घुसने दे रहे। नहीं तो जो अपना दूसरा यूट्यूब चैनल ना टीम दीपक फौजी के नाम से, आप जाओ उस पर वीडियो जाकर देख लो, औरतें नहीं घुसने दे रही, आदमी तो फिर भी उनके झंडे उठा रहे हैं, औरतें गाँव में नहीं घुसने दे रही। कम से कम आप तो यार हरियाणा से तो चार कदम आगे मानता हूं मैं पंजाब को, पंजाब की एकता की मिसाल दी जाती है। ये पंजाब ही था जिसने इतना बड़ा आंदोलन उठा दिया था, ये पंजाब ही था भाई, कोई किसी और के बस की बात नहीं थी। जिस आंदोलन का विरोध सुखबीर बादल कर रहे थे, प्रकाश सिंह बादल कर रहे थे, हरसिमरत कौर बादल कर रही थी, जिन तीन काले कानूनों का, ये कर दी नहीं है तो बहुत अच्छे हैं, अरे ये किसान बैक आए गए, ये किसान नहीं है, ये दूसरे, इन्होंने बीजेपी की भाषा बोल ली थी, और आप फिर उनकी पक्ष में कर रहे हो, आप कर सोच रहे हो आप तो बादलों के पक्ष में कर रहे हो, आप बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हो। नहीं तो आप सुन लो, अगर ये सुनने के बाद भी कोई बादलों के पक्ष में चुनाव करेगा ना तो मान जाऊंगा भाई, सुन लेना थोड़ा ध्यान से। गुरु ग्रंथ साहब के पन्ने फाड़ के अपने गंदे नालियां दे विच वगैरह सीते हुए से पिंडा दे विच। एक चीज और बता देता हूं, उसके बाद एक वीडियो और है, वो जो पकड़े गए ना वहां पे गुप्ता वाले, उसका वीडियो भी है, लेकिन यहाँ पे दिखाने में थोड़ा वो हो जाएगा, वीडियो है उसका, बता देता हूँ पहले, उसका भी आपको करेंगे। ये तो वीडियो है चाहिए तो ले लेना, आप सुन लो, आप लोग पूरा सुनते जाना थोड़ा ध्यान से। कोई ये कहे ना कि भी फलाने का फेवर ले रहा, अपने को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, अपने को मतलब अपने भाइयों से, अपने भाई जागरूक रहे बस, किसी पार्टी से किसी को वोट दो भाई, ये भी नहीं कहेंगे भाई फलाने को वोट दो, लेकिन कम से कम अपने भाइयों को तो वोट दे लो, ये पार्टियों में तो मत बटो आप लोग। यही बूचड़ जो आकर बयान दे रहा है, ये कर दूंगा, मेरे को तेरा हाथ दे दो पंजाब को सोने की चिड़िया बना दूंगा, तेरे को दो ही हाथ दिए थे, तेरे को 92 सीट दी थी, तूने पंजाब की जवानी का गान करना शुरू कर दिया, गान चल रहा है पंजाब की जवानी का गान, फिलहाल हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं हम, ये पंजाबी का गान शुरू हो चुका है। आप लोगों को तब समझ में आएगा जब मेड़ा लूट लेगा,
उसके बाद फिर जगते रहना, फिर पोस्टें डालते रहना, वीडियो बनाते रहना, उसके बाद क्या होगा अगर आप लोग पहले ही नहीं जग पाए तो। यही भगवंत मान है जो बोल रहा है कि बब्बर शेर है केजरीवाल, ये करेगा केजरीवाल, 3 महीने में नशा खत्म कर रहे थे, कभी 3 हफ्ते में कर रहे थे, कर दिया। जो नशा छुड़वा रहे थे उल्टा उनको जेलों में डाला जा रहा है, एनएसए लगा कर डिब्रूगढ़ भेजा जा रहा है, ये चल रहा है फिलहाल पंजाब में। नहीं चल रहा हो तो बताओ, अगर कोई भी बात अपने पास से बोल रहे हो तो बता देना, नहीं चल रहा क्या एनएसए लगा कर डिब्रूगढ़ छोड़ दिया, परमिंदर झोटा ने नशा छुड़वानी छोड़ती उसको उठाकर जेल में डाल दिया, लखा से दाना ने मां बोली पंजाबी की आवाज उठाई उसको उठाकर जेल में डाल दिया, कोई भी एक दूसरे की मदद करता उसको उठाकर जेल में डाल देते हैं, नहीं चल रहा क्या ये प्रेशर? किसका प्रेशर? सेंटर के प्रेशर में चल रहा है। चंडीगढ़ कहां है? दे दिया दिल्ली को। पानी कहां है पंजाब का? दे दिया दिल्ली को। नहीं दे रखा क्या? क्या कर रखा है भगवंत मान ने? अगर आप भगवंत मान की वोट मांगते हो तो कर क्या रखा है? कुछ समझ में भी आएगा आप लोगों को या नहीं आएगा? अभी आप बटने लगे भाई, कुछ एनआरआई आगे बादल के पक्ष में भाई, 80-90% आगे भाई अमृतपाल के पक्ष में, जहां भी रहो 100% रहो। चलो अगर आप नहीं मानते, आपका दिल कर रहा है भाई बादल अच्छे हैं भगवंत मान अच्छा, तो जाओ आप उनके साथ, हम मना नहीं करेंगे, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं होता कभी भी, वोट डालना सबका स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन कम से कम इन बातों को जरूर याद रखना जो कि पंजाब के साथ किया गया। पानी के ऊपर लड़ाया गया हरियाणा पंजाब को, पानी कहां जा रहा है? राजस्थान में। चंडीगढ़ के ऊपर लड़ाया गया किसको? हरियाणा पंजाब को। भाईचारा हमारा, भाईचारा के साथ हमारी तोड़ी गई। चंडीगढ़ कहां है? दिल्ली के पास। आते ही किया उतरने का। और अभी जो डीजीपी गौरव यादव कर रहा है जी, ये तो उनके समर्थक है, फलाने के समर्थक है, उठा उठा के जेलों के अंदर डाल रहा है। आप क्या सोच रहे हो उनके साथ अच्छा काम हो रहा है? 1.5 लाख पंजाब की जवानी का जिसने घाण किया था, जिस बादल परिवार ने डीजीपी को लगाकर 1.5 लाख पंजाब के युवाओं को घाण करवा दिया था, पंजाब के युवाओं का, आप उनके फेवर में खड़े हो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। आपको याद है जब ये किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम पर, कुछ समय के लिए चरणजीत सिंह चन्नी, हम ये नहीं कि पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन एक इंसान से मतलब है, चरणजीत सिंह चन्नी हमारे को उतनी इतना पसंद आया था जिसको लिमिट नहीं। आज भी चन्नी को हम पसंद करते हैं, क्यों? उसका रीजन है, सुन लो। प्रधानमंत्री साहब आए थे, प्रधानमंत्री साहब पुड़िया से वापिस चले गए, उसी की पार्टी के बंदे नारे लगा रहे थे, प्रधानमंत्री साहब ने बोला बड़ी मुश्किल से जिंदा बच के आया हूं, बता देना तुम्हारे मुख्यमंत्री को, और फिर प्रेशर डाला प्रधानमंत्री साहब ने चन्नी के ऊपर, प्रेशर डाला था कि कार्रवाई कर उन किसानों के ऊपर, चन्नी ने किसी के ऊपर कार्रवाई, बोला आपका साथ हुआ क्या है? कुछ भी नहीं, आपकी पार्टी के लोग थे। चन्नी ने यह जवाब दिया था ठोक के, इसलिए मैं बोलता हूं पार्टीबाजी को साइड में रख के, पार्टीबाजी को अपने बंदों की पहचान कर लो, अपने बंदों की। चन्नी दम रखता है चाहे किसी भी पार्टी के अंदर हो, लेकिन चन्नी ने दम दिखाया, चन्नी ने। भगवंत मान बहुत अच्छा बंदा था, अच्छा बोलता था पंजाब के लिए, लेकिन जब से इसने गुलामी स्वीकार की है ना, चाहे चन्नी को भी पता था कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री है, लेकिन कम से कम गुलामी स्वीकार तो नहीं की उस बंदे ने, गुलामी तो नहीं स्वीकार की ना। अरे अपने निर्दलीय बना लो, अपनों को बना लो, अगली गेड़ा अगली बार सब, खुद एनआरआई भाई भी बोल रहे अगली बार अपने अमृतपाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इतनी वोटों से जीत जिता के दिखाओ उसको कि ये कहें आराम से कोई भी सरकार किसी की, भाई कहे भाई मुख्यमंत्री के लायक ये बंदा है, इतनी वोटों से जीत के इतिहास बना के दिखाया है, इतिहास बना के। और वो इतिहास आप बना सकते हो खडूर साहब के लोगों, आप पंथक हो, आपने जो ये है ना एसजीपीसी है, शिरोमणी अकाली दल है, ये बादल तो बाद में लगा दो, शिरोमणी कमेटी को ना अपने खून से सींच के बनाया बुजुर्गों ने, अपने खून से, लेकिन इसके ऊपर राज कौन कर रहा है? राज कर रहे हैं चोर लुटेरे राज कर रहे, वो ऐसे ही तो राज करते हैं, हमारे को बांट देते हैं वो आपस में, बटो मत, अपना एक साथ रहो, मत बटो, ये मेरा है, ये मेरी जाति का है, मेरे धर्म का, ये फलाने का डिमकार, मत बटो इसमें, इतना ही कहेंगे, इसमें बट गए ना तो आपके बच्चे भूखे मरेंगे, ये बता दिया है। आप अपनी राय रख देना दोस्तों, आपकी जो भी राय है आपको समय समय पर चेतता रहेंगे। और हाँ, माइक का निशान है भाई चुनाव चिन्ह, माइक का निशान। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।